हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर सर्वजीत हैं। सर्वजीत जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एशियन मैनपावर सर्विसेज को अप्रोच करे थे न्यूजीलैंड वर्क प्रोसेस के लिए। न्यूजीलैंड वर्क परमिट उनको मिल चुका है, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि उनका प्रोसेस कैसा रहा यहाँ पे और क्या उनके रिव्यूज़ है हमारे एशियन मैनपावर सर्विसेज के बारे में पूछते हैं। जी बोलिए भाई, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, कैसे आपको पता चला सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। मेरा नाम है सरजीत सिंह, पंजाब से हूँ जी। तो मेरे को तो मालूम पड़ा था मेल से, तो मैं चेक किया था फ़ोन पे जी, तो उससे ही मालूम पड़ा तो फ़ोन किया, तो बोलते हैं कि हाँ न्यूजीलैंड का काम है जी। तो मैं फिर आया तो देखा तो ऑफिस में, तो फिर ऑफिस तो मेरे को अच्छा लगा, नहीं तो और किधर भी कोई ऐसा ऑफिस नहीं था जैसा कि इधर, रहने के लिए भी और भी बोलने का, बात करने का, सब जो भी है सही है जी। तो आप बता सकते हैं कैसे है आपका वीज़ा, हमारे व्यूवर्स को एक बार थोड़ा सा शो कर दीजिए। वीज़ा मेरा निकल आया था, वीज़ा मेरा न्यूजीलैंड का हो गया है जी। तो गाइस देख सकते हैं सर्वजीत का फ्लाइट कल है, तो उनका ये वीज़ा है। तो ये कितने साल का वीज़ा है आप चेक कर लीजिए। 3 साल का वीज़ा है मेरा जी जी। हाँ जी, कैसे देखा आपको ये जब वीज़ा आपको आपके हाथ में मिल गया, हम लोग आपको पंजाब में भेज दिया था आपके भाई व्हाट्सअप, तो आपको कैसे दिखा वहाँ पे, कितना खुशी महसूस हुआ आपके घर वालों में और आपको, क्योंकि आप हैदराबाद बहुत दूर आके यहाँ प्रोसेस कर रहे थे। बहुत दूर पड़ जाता है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ ना, वीजा मिला तो बहुत खुशी हो गई जी। आपके घर वाले क्या बोले, आपके दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? वो तो बोले हैं कि अभी हाँ तो अच्छा हो गया है, वो तो अभी बोल रहे हैं कि हमारा भी लगाओ, हम भी जाएगा जल्दी। पहले तो कोई नहीं लगाता था, बाद में जी जब आ गया तो सब बोलते हैं कि हम भी जाएगा जी, ऐसा ऐसा बात है, अभी सब बोल रहे हैं कि जी। हमको भी ऑफिस का एड्रेस दो, फोन नंबर दो, मैं सबको दिया जितना मांग रहा था, जो जो दिया सबको दे दिया जी। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो लोग आएंगे आपके रेफरेंस से यहाँ पे, तो हैदराबाद के ऑफिस को बारे में आप क्या बोले और क्या बोलना चाहेंगे आने वाले लड़कों के बारे में? कोई भी जो भी ऑफिस में आएगा तो अपना कि खुश होके जाएगा, कोई ऐसा कि जी महसूस हो के नहीं जाएगा कि मेरे को वहाँ भी ऐसा ऑफिस है, ऐसा है, जैसा है, कैसा, कोई नहीं है। जो भी आप बात करते हैं तो सही करते हैं, कोई ऐसे कोई उसमें है नहीं कि दो नंबर का काम कराएंगे या ऐसा कराएंगे, सब एक नंबर का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आएगा आना चाहता है तो वो बिंदास होकर आए जी एकदम जी। अच्छा, आप तो देखे होंगे कि न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा करवाने के लिए बहुत सारे इंडिया में अभी ऑफिसेस शायद काम कर रहे हैं, तो वहाँ का ऐड भी देखे शायद आप, तो उसमें ऐडों में लिखा हुआ है अभी 15 लाख 16 लाख ले रहा है कोई ये 3 साल की वीज़ा देने के लिए, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे ये, पूछे भी बहुत है, बहुत है उधर बहुत ज़्यादा है, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। अच्छा, तो कंपेयर करेंगे कंपेरेटिवली कैसा दिखा हमारा ऑफिस यहाँ पे आपको, उस पैसों के मामले में होने दो, या आपसे पहले से एडवांस में कुछ लिया था, ऐसा क्या मतलब आपको? नहीं, ये एडवांस तो कोई भी नहीं लिया इधर से अपना जी, इसे मैन पावर में कोई एडवांस नहीं दिया जी, एक भी पैसा नहीं। अभी उधर में जाएगा तो पंजाब में जाओ किधर भी जाओ पहले एडवांस पैसा लेता है जी, उसके बाद बात करता है वहाँ भी आपका ये मेडिकल करवाएगा, वो कराएगा, ये कराएगा, फिर अगर काम नहीं बनेगा तो पैसा भी बाद में ऐसे जाएगा जी। अभी आपके तो इधर तो एक भी रुपया नहीं दिया है, जब वीजा आया तभी अभी पैसा अभी दिया है, नहीं तो नहीं पहले कोई पैसा नहीं जी, खाली वही हम पैसे फीस दिया था बस जी। अच्छा, आप वहाँ से पंजाब से उतनी दूर से यहाँ हैदराबाद तक आए हैं, आने के बाद यहाँ पे आपको होटल को जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हर चीज़ जो है ना यहाँ पे सहूलत दिए हैं, ये सहूलत आपको कैसी दिखती है, कहीं देखा है क्या? नहीं, इधर भी नहीं है सहूलत जी, इधर रहने के लिए बहुत मुश्किल रहता है जो ऑफिस में आता है, इधर जाएगा बॉम्बे में जाएगा, बड़ौदा में जाएगा, किधर भी जाएगा, सूरत में चले जाओ, किधर भी रहने के लिए जगह नहीं है जी। रहने के लिए मेन जगह रहने के लिए होता है, जाके फिर भाड़े पे किराए पे लेके जब 500-1000 रुपया रहना, उधर रेंट देना है, फिर आदमी का 10 दिन रहेगा 5 दिन रहेगा तो उधर खर्चा बहुत होता है रूम का ही जी, खाने का तो होएगा ही जी, रहने के लिए व्यवस्था बहुत सही है इधर जी। तो जी देखिए दोस्तों, जो लोग आते हैं दूर दूर से इंटरव्यूज़ के लिए होने दो या फिर जाने के डिपार्चर के टाइम पे, तो उन लोगों को इस तरीके की सहूलत मिल रही है, उससे बहुत ये सर्वजीत बहुत खुश है। तो आज आपके साथ में कोई दूसरा लड़का भी आया है, तो कौन है वो? हाँ, वो मेरा अपना रिश्तेदार है जी जी।
तो आपके दोस्त को भी यहाँ पे रिश्तेदार को भी लेके आए हैं, तो आपको ऑफिस वाला कुछ बोला है भाई ये आदमी नहीं रह सकता है यहाँ पे, ऐसा कुछ बोला है? नहीं, वो कुछ नहीं बोला है। तो ये देखो एशियन मैन पावर सर्विसेज कितना अच्छा से अपना याद बना के आपको सब काम कर रहे हैं, तो आपको कितनी खुशी हो रही? वही है ना, बहुत खुशी हुआ मेरे को रहने के लिए भी और ऐसे करने के लिए। जी, आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, आप न्यूजीलैंड से रابطہ करा है आपको कंपनी आने से पहले, अभी आप जाने वाले हैं यहाँ से न्यूजीलैंड को, तो आपको मैसेज वगैरह आया है उनके बोले हैं, तो ये कैसे दिख रहा आपको? मैसेज उधर से आ रहा है, पूछ रहा है कि मैसेज करके ये आप काम जानते हैं या ये करते हैं, वो पूछ रहे हैं, बार बार फोन करते हैं वो लोग। जी तो रिप्लाई भी दिया था कि हाँ जी भाई ये काम मैं तो वेल्डर का काम करता हूँ, बाकी दूसरा जो है जी वो नहीं हम करते हैं। जी अच्छा ओके, तो बहरहाल कंपनी से आपको रबते में आ गई है कंपनी ऑलरेडी, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि आपकी वीजा कितनी जेन्यून है, हर चीज जो है ना आपको काम चल रहा है बराबर से। तो ऐसे ही वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाने के बाद बहुत सारे हम सुना है कि एयरपोर्ट से भी वापस आ जाता है लोग, वीजा लेके जाता है, नहीं भाई ये वीजा नहीं है बल्कि, तो आपको खुद कंपनी वहाँ से कॉल कर रही है आप कब आ रहे हैं क्या है सब तैयारी हो गई क्या, सब चीजें पूछ रहे है ना। तो कितना अच्छा दिख रहा आपको ये सब चीजें देखते हुए? वही है ना, वो फोन की कर रहा है, उनका नंबर है मेरे पास, उनका नंबर था तो उनका नंबर लेके फोन किया ना मैंने। जी, तो मेरे को क्या मालूम था कि उनके पास नंबर किधर जाएगा, कैसे आया उनके पास। जी उनको नंबर मिला तो फोन कर रहा है ना, ये हमारा आदमी है उधर से आ रहा है, इसको हम वीजा दिया है। जी, तो आपको क्या प्लानिंग है वहाँ जाने के बाद न्यूजीलैंड में, कैसे आपको प्लानिंग करा है पीआर के लिए उन्हें, तो यहाँ का वहाँ पे जो जो फॉर्मेलिटीज करना चाह रहे हैं वो प्लानिंग करके जा रहे क्या आप? हाँ वो तो प्लानिंग करके जाएगा सर, अभी जो पीआर के लिए अभी जब भी पीआर तो पीआर के लिए जा रहे हैं। हाँ ओके चलो ठीक, पीआर तो अभी उधर जाएगा तो अपना जितना भी जल्दी हो सकेगा तो आदमी पीआर हो सकता है, टैक्स के साथ कुछ कटवाएगा तो। जी अच्छा, आपको जो सैलरी कंपनी प्रोवाइड किया है जो सैलरी, आपको मुतमईन है आप उससे, सेटिस्फाइड है? हाँ उतना तो है, सर्टिफाइड है, लेकिन जब भी कंपनी बोलेगा तो बढ़ा भी सकता है। बढ़ा भी सकता है बिल्कुल, गवर्नमेंट वहाँ पे खुद हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज करता है। हाँ। तो ये सब चीज़ें इस पर वहाँ के लॉ के हिसाब से चलते रहेंगे। सो गाइस देख सकते हैं पंजाब से आके यहाँ हैदराबाद से काम करवा लिए हैं। आप लोग भी अगर से कहीं बाहर कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो एशियन मैन पावर सर्विसेज को ज़रूर अप्रोच करिए, और मेरा चैनल ग्रेटली बॉयज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सो विश यू हैप्पी जर्नी सर्वजीत, बेस्ट ऑफ लक, ओके, गुड बाय, टेक केयर।